हेलो गाइस, यदि कहीं पर हम अकेले टहल रहे हैं और हमें कोई जहरीला सर्प काट ले तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी जान बच जाए, ये हम बताएंगे। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमें सर्प काटता है तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए कि सर्प जहरीला है या नहीं। अगर हमें पानी में रहने वाले सर्प काटते हैं, पीले या हरे, तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं। असल प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हमें ब्लैक व्हाइट या ब्राउन सर्प काटते हैं क्योंकि ये बहुत जहरीले होते हैं, तब भी हमें कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले सर्प जिस अंग पर काटा है उस पर हमें नुकीली चीज से हल्का सा कट लगा देना चाहिए जिससे कि जहर बॉडी में फैलने की वजह ब्लड के रास्ते बाहर निकल जाएगा, या सर्फ के काटे हुए जगह से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर हमें अच्छी तरीके से कपड़ा लपेट देना चाहिए, इससे जहर बॉडी में जल्दी नहीं फैलेगा। सबसे जरूरी बात, सर्फ के काटने के बाद हमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, जैसे ज्यादा सोचना या दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और जहर बहुत जल्दी शरीर में फैल जाएगा जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करना चाहिए जिससे कि डॉक्टर द्वारा हमें एंटीवेनम का इंजेक्शन लगा